नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास है 2022 की न्यू हीरो पैशन प्रो BS6 मॉडल का 2022 मॉडल, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बाइक में आपको 2022 में हीरो की तरफ से बहुत सारे नए बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसके बाद ये जो बाइक है ना, पहले से और भी ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि 2022 में हीरो की तरफ से इस बाइक में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या नई चीजें देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस है ना, वो भी पहले से बढ़ चुकी है। तो हम आपको आज की वीडियो में इसकी एक्सोन प्राइस बताएंगे, आपको ऑन रोड प्राइस बताएंगे कि अगर आप लोग 2022 में न्यू हीरो पैशन प्रो BS6 मॉडल लेने जाते हैं तो आप लोगों को जो कंप्लीट बाइक है ना, ये आप लोगों को कितने में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी 2022 में इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर आप लोग पैशन प्रो के लवर हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे ने वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते इस बाइक के लुक के बारे में, इसके कलर ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, लुक्स वाइज इस बाइक में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको पहले की तरह काफी बेहतरीन लुक देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इस बाइक के कलर ऑप्शन के बारे में, तो इसमें आपको अभी भी आपको वही 6 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके जो 5 और कलर ऑप्शन है, उसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है। तो दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पे कलर देख रहे हैं, ये इसका टेक्नो ब्लू कलर है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक, ब्लू और सिल्वर कलर में इसकी बॉडी देखने को मिलती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो दोस्तों, ये जो कलर है ना, ये जो टेक्नो ब्लू कलर है, इसका जो लुक निकल के आ रहा है, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करें इस बाइक के सबसे पहले चेंज के बारे में, यानी कि इसके सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों, अब इसकी जो प्राइस है ना, पहले से बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सोन प्राइस के बारे में। तो इसमें आपको कुल 4 मॉडल मिलते हैं, जिसमें से पहला है ड्रम मॉडल, जिसकी एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 70,820 रुपए एक्स शोरूम UP वाराणसी की प्राइस। इसका जो दूसरा मॉडल आता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इसका डिश मॉडल है। तो दोस्तों, इसका जो डिश मॉडल है, इसकी जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 73,820 रुपए एक्स शोरूम UP वाराणसी की प्राइस। और इसका जो तीसरा मॉडल आता है, वो आता है 100 मिलियन एडिशन मॉडल, जिसमें आपको ड्रम मॉडल जो आती है, वो आपको पड़ेगी 72,620 रुपए में, और उसकी जो डिश मॉडल आती है, वो आपको पड़ेगी 75,620 रुपए में। तो दोस्तों, ये तो इस बाइक के एक्सोन प्राइस की बात। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, कम्प्लीट बाइक के प्राइस के बारे में, तो दोस्तों, ये लगभग जितने मॉडल है ना, सभी आपको मॉडल आपको 85,000 टू 92,000 के बीच में आपको कम्प्लीट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इस बाइक का जो सबसे पहला चेंज होता है, वो है इसकी प्राइस को लेके, जो कि पहले से इंक्रीज हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, फ्रंट से लुक के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट से लुक है ना, वही सेम आपको पहले वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ब्लैक कलर का वाइजर देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आप देखिए हीरो का 3D एम्बल लोगो देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये जो लोगो है ना, आपको पहले भी देखने को मिलती थी, और यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा, वही आपको 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर मिलता है। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये हार्ड फाइबर से बनाया गया है। तो दोस्तों, इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस बाइक के हेडलैम्प के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो हेडलैम्प है ना, वो भी आपको पहले वाला आपको 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसकी जो रोशनी है ना, इसकी जो विजिबिलिटी है ना, इसको लेके आपको कोई शिकायत पहले भी देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस बाइक में आपको हेडलैम्प को लेकर, इसके फ्रंट प्रोफाइल को लेकर, इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड से लुक निकल के आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं टेक्नो ब्लू कलर का जो लुक निकल के आता है, काफी प्यारा लगता है देखने में। तो दोस्तों, आप लोग को इसका जो लुक निकल के आ रहा है साइड से, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ भी देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, वॉक मिलता है, कन्वेंशनल फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कम्फर्ट देखने को मिल जाती है। और यहाँ भी देखिए, सस्पेंशन के दोनों साइड में आप देख सकते हैं येलो कलर का रिफ्लेक्टर मिल जाती है। और यहाँ भी देखिए, ये इसका डिश मॉडल है, इसमें आपको फ्रंट में आपको 240mm का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ भी देखिए, इसमें आपको IBS का सपोर्ट मिलता है, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। इसका यूज आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग इसका रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो आपका जो फ्रंट ब्रेक है, वो ऑटोमेटिक कुछ परसेंट अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है ना, वो स्लिप नहीं होती है। और यहाँ भी देखिए, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वही सेम आपको 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इसके फ्रंट सेक्शन में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के हैंडल बार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लेफ्ट हैंडल बार से। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको लोड
टाइम का स्विच मिल जाएगा, पासिंग स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है। स्विचेस क्वालिटी जो मिलेगी आपको पहले की तरह काफी मजबूत देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए राइट हैंडल बार पे आप देखिए सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें आपको सेल्फ और किक दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ भी देखिए इसका जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना, वही सेम आपको पहले की तरह सेम ही डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल रही है, जिसमें आपको एनालॉग मीटर कंसोल में आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, बाकी सब कुछ आपको डिजिटल मीटर कंसोल में देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको ट्रिप मीटर मिल जाएगा, ओडोमीटर मिल जाता है और साथ ही साथ एवरेज इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसका जो डिस्प्ले मिलता है ना आपको ऑरेंज कलर में देखने को मिलेगी। और यहाँ भी देखिए साइड में आप देखिए i3s का स्विच भी लगाया गया है, जिसमें आप देखते हैं ब्लू कलर की लाइटिंग जलती है, जिससे आप लोग अपने i3s को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके मीटर कंसोल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको पहले वाला मीटर कंसोल देखने को मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं इस बाइक के अगले अपडेट के बारे में, जो कि 2022 में हीरो की तरफ से लगभग सभी बाइकों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मीटर कंसोल के साइड में आप देखिए एक कैप लगाया गया है, जैसे मैंने इसके कैप को ओपन किया तो उसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें आपको प्री इंस्टॉल USB पोर्ट चार्जर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लोग बाइक को चलाते हुए भी आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अब इसमें आपको USB पावर चार्जर भी मिलता है। और यहाँ पे देखिए हैंडल बार पे आप देख सकते हैं इसमें आपको हीरो की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में, तो इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा ना आपको काफी सारे कलर में देखने को मिलता है। ऊपर आपको सिल्वर कलर देखने को मिलेगा, इसका जो फ्यूल टैंक का काउल देखने को मिलेगा आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसके काउल पे आप देखिए ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं पैसन लिखा हुआ मिल जाता है, नीचे आप देख सकते हैं ब्लैक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ प्रो लिखा हुआ मिल जाता है काफी बड़े अक्षरों में, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। तो दोस्तों इसका जो फ्यूल टैंक का जो काउल मिलता है ना, इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलता है ना काफी प्यारा लगता है देखने में। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 10 लीटर की। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में। तो दोस्तों इस बाइक में आपको इंजन में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको 113cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक BS6 इंजन देखने को मिल जाता है। इसका जो मैक्स पावर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 6.73 किलोवाट का 7500 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 9.89 न्यूटन मीटर का 5000 RPM पे। इसमें आपको जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलता है, वॉक मिलता है, प्रोग्राम FI सिस्टम मिल जाता है, यानी कि आपका जो पेट्रोल होगा ना वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी और उतना ही पेट्रोल सप्लाई होगा जितना कि आपके इंजन को जरूरत होगी। तो इसका सीधा सर आपके माइलेज पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब इसमें आपको जो माइलेज मिलता है ना पहले से 13% एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ इसमें आपको ऑटो सेल्स टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, जो कि काफी मदद करता है आपको ट्रैफिक एरिया में बाइक को चलाने में। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के इंजन की बात है। और हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के अगले अपडेट के बारे में, जो कि इसके साइड स्टैंड में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब इस बाइक में भी आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसका यूज आप लोगों को पता होगा कि अगर आप अपने बाइक के साइड स्टैंड को नहीं हटाएं तो आपकी जो बाइक है ना वो तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप अपने साइड स्टैंड को नहीं हटा देते हैं। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के इंजन की बात, इसके अगले अपडेट की बात। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी देखिए साइड काउल पे आप देखिए i3s की बैचिंग मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको i3s टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसकी सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि जो पैशन प्रो आती है ना, इसका जो सीट का कंफर्ट मिलता है, इसकी जो सीट की डिजाइन मिलती है ना, वो स्पेशली मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो राइडर सीट का जो फ्रंट सीट है ना वो थोड़ा सा कर्व मिलता है, जो कि टैंकर्ड का भी काम करता है, जो कि राइडर के लिए काफी हेल्पफुल होता है राइडिंग के टाइम पे। तो दोस्तों अब इसकी जो सीट की कुशनिंग मिलती है ना वो पहले से थोड़ा सा और बेटर मिलती है। और यहाँ भी देखिए इसमें आपको पिलियन ग्रेविल जो मिलेगा आपको ब्लैक कलर देखने को मिलती है। और यहाँ भी देखिए साइड में देखते हैं ब्लू कलर के ग्राफिक के साथ हीरो की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के पिलियन से। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए इसमें आपको पिलियन फुटेज मिल जाता है, इसमें आपको लेडी फुटेज भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये डेली कम्यूटर बाइक है तो इसमें आपको लेडी फुटेज कंपलसरी है। और साथ ही साथ इसमें आपको शारी गार्ड देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये आपकी जो बाइक है ना, इसमें आपको लेडीज जो होती है ना घर की, वो भी आराम से राइड कर सकती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर से लुक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए टेललाइन के जस्ट ऊपर व्हाइट कलर में आपको हीरो की बैचिंग मिल जाती है, इसकी जो टेललाइट देखने को मिलेगी वही आपको सिग्नेचर टाइप का 5/21 वाट का बल्ब टेललाइट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको पहले वाली टेललाइट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस बाइक के लुक को लेकर आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको लुक देखने को मिलता है, रियर फ्रंट साइड से सारे लुक वही सेम देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें देख सकते हैं स्टिकर लगाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं 18/5/2022 इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कि ये इसका 2022 मॉडल है, ये इसका 2021 मॉडल नहीं है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के दूसरे साइड से। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में देख सकते हैं ब्लू कलर के ग्राफिक के साथ हीरो की बैचिंग देखने मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी प्यारी लगती देखने। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन से। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा, वॉक मिलता है, ट्विन शॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक देखने को मिलेगा वो आपको ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को
मिलता है जिसकी साइज 130 एम का। तो दोस्तों इसमें आपको जो सस्पेंशन क्वालिटी मिलती है आपको पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टायर मिलेगा वही सेम आपको 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा, जो की फ्रंट टायर है वो भी आपको सेम देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के रियर सेक्शन की बात, और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल्फ दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन के बारे में, तो इसका जो ओवरऑल लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2036 mm का। इसका जो हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 1113 mm का। इस बाइक का जो सीट हाइट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 799 mm का। इसका जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिलता है 1270 mm का। इसका जो कार्ब रेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 118 kg की। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वॉक मिलता है 180 mm का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया है जो की है 10 लीटर की। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन की बात, अब थोड़ी सी बात करते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में। तो अब इसकी जो माइलेज मिलेगी ना पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुकी है, क्योंकि इसमें आपको BS6 इंजन मिलता है, प्रोग्राम्ड FI सिस्टम मिलती है, ऑटो सेल्फ टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ अब इसमें आपको जो इंजन मिलता है ना वो पहले से थोड़ा सा रिफाइन हो चुका है। तो दोस्तों इस बाइक में आपको जो माइलेज मिलेगा ना वो लगभग आप मान के चलिए 50 से 55 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के माइलेज की बात, अब फाइनली बात करते हैं कि इस बाइक में आपको 2022 में हीरो की तरफ से आपको क्या कहना है, बदलाव देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों पहला अपडेट की इसकी जो प्राइस है पहले से बढ़ चुकी है, दूसरा इसमें आपको USB पोर्ट चार्जर मिल जाता है, तीसरा इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यही कुछ चेंज के 2022 मॉडल में हीरो की तरफ से देखने को मिलते हैं, बाकी बाइक पहले की तरह, इसमें आपको और कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगे टेक्नो ब्लू कलर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को कमेंट कर रिप्लाई करने को। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे हमारी नीचे इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।